यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन बांदा के लोगों ने डिप्टी कलेक्टर को दिया ज्ञापन। आपको बता दें कि पूरा मामला जिला कलेक्ट्रेट परिसर बांदा का है, जहां आज यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन ने बीएलओ ड्यूटी में लगाए जाने के संबंध में डिप्टी कलेक्टर को लिखित ज्ञापन सौंपा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16 मई 2018 को और 9 दिसंबर 2020 को रिट के द्वारा आदेश पारित किया गया था कि परिसर शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य न लिया जाए। दिनांक 3 सितंबर को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पत्र जारी कर परिषदीय शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में रोक लगाई जा चुकी है। इस मौके पर यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के सभी लोग मौजूद रहे। बांदा से ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम 80 न्यूज। अजय कुमार जी, जिला कोषाध्यक्ष यूटा, किस समस्या को लेकर आए हम लोग? इस संबंध में ज्ञापन लेकर आए हैं कि बेसिक शिक्षकों की बीएलओ में ड्यूटी लगा दी गई, जबकि बीएलओ में ड्यूटी बेसिक शिक्षकों की हट गई थी। इसके संबंध में सन 2018 में एक याचिका डाली गई थी, उसका डिसीजन आया था दिसंबर 2020 में। उसमें यह कहा गया था कि शिक्षकों को और प्रधानाध्यापकों को बीएलओ ड्यूटी से मुक्त रखा जाए और अन्य लोगों से ये कार्य कराया जाए, किंतु इसके बावजूद भी शिक्षकों के लिए फिर से बीएलओ ड्यूटी का ये प्रावधान कर दिया गया है और बबेरू एसडीएम सर ने ये ड्यूटी लगा भी दी है। इसका आदेश भी जारी कर दिया, सूची मांग ली गई है और आदेश भी इसके लिए उन्होंने जारी किया है कि बीएलओ ड्यूटी में प्रधानाध्यापकों सहायक अध्यापकों को लगाया, जबकि वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान परिदृश्य में ये है कि बेसिक शिक्षा में मिशन प्रेरणा के कार्यक्रम चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं, और अगर बीएलओ ड्यूटी में शिक्षकों को इन्वॉल्व कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें प्रभावित होंगी और बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर सकती है। वैसे भी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि कोविड-19 का जो दौर चल रहा है उसमें बच्चों की